वेलकम बैक टू माय चैनल आयुर्वेदा एंड इन्फॉर्मेटिव चैनल। एज यू नो मैं हूँ ममता। आज मैं आपको लेकर जा रही हूँ वासा के साथ। अब वासा का अगर किसी को रहती है वात पित्त और कफ की शिकायत तो मेरे वीडियो को पूरा अवश्य देखें और इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। एक जंगली झाड़ी है और इसे बाड़ बनाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। अड़ूसा के पत्ते फूल जड़ और छाल हजारों सालों से आयुर्वेद में इसका उपयोग किया जा रहा है। इसमें जीवाणुरोधी सूजन को कम करने वाले रक्त शुद्ध करने वाले गुण होते हैं। मालाबार नट श्वसन रोगों के लिए आयुर्वेद में इस्तेमाल की जाने वाली मुख्य औषधियों में से एक है। इसके आयुर्वेद में ब्रोंकाइटिस कफ ठंड दमा आदि रोगों में बहुत लाभ बताए जाते हैं। और अड़ूसा सदाबहारी झाड़ी है। इसकी ऊंचाई लगभग 2 से 3 मीटर तक होती है। इसके फूल सफ़ेद रंग के होते हैं। ये दो तरह का तीन तरह का वासा होता है, एक काला सफ़ेद पीला। जी हाँ, तीन तरह के वासे होते हैं। इससे पहले इसकी कुछ सावधानियां रखना जरूरी है। जी हाँ, जैसे मधुमेह वाले रोगियों के लिए दवा के रूप में अगर उपयोग करेंगे तो ये शर्करा के स्तर को बहुत ज़्यादा डाउन कर देता है, तो संभाल कर लें। एक वर्ष से अधिक उम्र वाले बच्चे को इसे सुरक्षित ना दें, इसके लिए देना सुरक्षित नहीं है। और गर्भावस्था में सुरक्षा को लेकर वसा का कच्चे रूप के लिए कोई अध्ययन उपलब्ध नहीं है। आयुर्वेद में अदरक के साथ वसा का उपयोग मतली उल्टी एसिडिटी के लक्षणों को कम करने के लिए किया जाता है, इसीलिए कम समय के लिए उपयोग करें। गर्भावस्था और स्तनदान के दौरान सुरक्षित नहीं हो सकता है। रूपों के लिए जी हाँ, वसा का एंटीसेप्टिक प्रभाव होते हैं। यह ब्रोंकियल ट्यूबों की सूजन को कम कर देता है। इसके कफोत्सारक प्रभावों के कारण जमे हुए बलगम को कम कर देता है। यह ब्रोंकियल ट्यूब को साफ करता है। खांसी थकान श्वास ब्रोंकाइटिस जैसी जुड़ी हुई समस्याओं को परेशानी को कम करने में मदद करता है। कफ सर्दी जुकाम गले की खराश खांसी में अगर आप परेशान हैं, वसा का पाउडर अल्सर के लिए उपयोगी है। जी हाँ, वैज्ञानिक अध्ययन और विश्लेषण के अनुसार वसा का एंटी अल्सर गुण होते हैं एस्पिरिन सहित। जी हाँ, इसके कारण इसकी पत्तियां अल्सर को कम कर सकती हैं। आयुर्वेद के अनुसार यह रक्तस्राव विकारों को अल्सरेशन में फायदे होता है और यह पेप्टिक और ड्यूओडेनल अल्सर के मदद करने के लिए मददगार साबित हो सकता है। इसके लिए 1 ग्राम वसा का पाउडर 1 ग्राम मुलेठी और 250 मिलीग्राम सतावरी पाउडर के मिश्रण का सेवन कर सकते हैं आप। अगर आपको कुछ ज़्यादा जानकारी नहीं है तो आप किसी वैद्य की सलाह भी ले सकते हैं। अड़ूसा के औषधीय गुण एसिडिटी के दूर कर सकते हैं। जी हाँ, वासा अपच गैस्ट्रिटिस और एसिडिटी के अच्छे परिणाम देता है। यह पेट में एसिड के ऐंठन को कम कर देता है। अध्ययन के वैज्ञानिकों ने पाया है कि यह गैस अल्सर अपच अति सुरक्षा और जठरात वाले मरीजों में हेरी सेल ल्यूकोमिनिया को कम कर देता है। वसा पाउडर मुलेठी और आंवले के साथ मिलाकर इसकी मात्रा को मिक्स करके दैनिक रूप से सेवन करने से इसमें लाभ होता है। ये आपकी बदहजमी को दूर करते की खराश के लिए बहुत ही फायदेमंद है। 1 चम्मच वसा का रस 2 चम्मच शहद के साथ भोजन के बाद दिन में 2 बार लेने से गले की खराश में आपको आराम मिलेगा। इसके बाद शहद के साथ इसके पत्तों का रस पीने से 1 से 2 चम्मच जी हाँ लीवर की समस्या में आराम मिलता है। आंखों पर सूजन रहती है तो इसकी फूल की पंखुड़ियों को घी में भूनकर ठंडा होने पर 20 मिनट तक आंखों के ऊपर रखें, आपकी सूजन कम हो जाएगी। यूरिया रक्त के ऊंचे यूरिया स्तर और नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थ की एक कंडीशन होती है। यह आमतौर पर तीव्र गुर्दे की चोट क्रोनिया गुर्दे की विफलता में होता है। ऐसे मामले में गुर्दे इन विषैले अपशिष्टों को खत्म करने में असमर्थ हो जाते हैं। काढ़ा आपकी ब्लीडिंग में भी उपयोगी हो सकता है। 5 ग्राम हरित की 5 ग्राम विटिस विनिफेरा और 5 ग्राम अड़ूसा के पत्तों को 400 मिलीलीटर पानी में उबालकर काढ़ा बना लें। जब पानी 100 ml रह जाए तो पानी को ठंडा कर लें और इस काढ़े को 1 चम्मच शहद के साथ मिलाकर दिन में 2 बार लें। इसके अलावा अड़ूसा की जड़ की छाल और पत्तों का काढ़ा बराबर मात्रा में मिलाकर 2-2 चम्मच की मात्रा में दिन में 3 बार सेवन करने से भी आपके नाक और अतिरिक्त रक्तस्राव की काफ़ी तकलीफ दूर हो सकती है। जहर को निकालने के लिए काले अड़ूसे की जड़ को ठंडे पानी में घिसकर काटे हुए स्थान पर लगाने से लेप करने से आराम होगा। मुँह में छाले होने पर भी अड़ूसा के 2-3 पत्तों को चबाकर उसके रस को चूसने से लाभ होता है। पत्तों को चूसने के बाद थूक दें,
वसा की लकड़ी के नियमित रूप से ब्रश से रूप में दातून करने से आपके दांतों के मुंह के अनेक रोग दूर हो जाते हैं। वसा के पत्ते को गर्म कर लें, उबाल लें हल्का सा, उसको गर्म कर लें और उसे सिकाई के लिए, जोड़ों के दर्द में लकवा और दर्द युक्त चुभन के लिए आराम मिलता है। हरड़, बहेड़ा, आंवला, वासा, गिलोय, कुटकी, पीपली की जड़ को बराबर मात्रा में मिलाकर इसका काढ़ा तैयार कर लें और इस काढ़े को 20 ग्राम शहद मिलाकर सेवन करने से बुखार में लाभ होता है। देखा होगा ग्रामीण क्षेत्रों में, मैंने भी बचपन में अपने पिया है, इसके वासा के पत्तों का काढ़ा बनाते हैं। जी हाँ, वासा के पत्तों को एक स्पून ताज़ा रस निकाल लें और शहद में मिलाकर पीने से भी आपकी खांसी और रक्तस्राव में राहत मिलती है। इसके अलावा इस पौधे के 7-8 पत्तों को लेकर पानी में उबाल लें। इसके साथ पानी को छानकर आप शहद के साथ मिलाकर भी पी सकते हैं। रोगाणुरोधी, रोगाणुरोधी गुण होते हैं। टीरर, एंटीवायरल, औषधीय गुणों के होने के कारण ये काफी प्रभावी माना जाता है। आयुर्वेद में चिकित्सा में इसका उपयोग करते हैं। पूरा वीडियो अवश्य